स्वागत करता हूँ। ये एक्चुअली गोदाव साहब ने पहले ये इसका जो एक पार्ट है वो कवर किया था, आज ये उसी का दूसरा पार्ट है मतलब, और ये जीवों के ऊपर है एक्चुअली में, काफी डिटेल में गए हैं वो, और वो खुद बायोलॉजिस्ट है, एग्रीकल्चर में काम किया है, तो उनका वापस वापस इंट्रोडक्शन में दे दूँ जिनके लिए, जो लोग मतलब शायद मतलब पहली बार सुन रहे हैं उनको, तो मतलब तो मैं उनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। उसके पहले मैं एक्चुअली समनी जी आए हुए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो नौकार मंत्र से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। समनी जी आप अनम्यूट करिए। मैंने अनम्यूट किया है। हाँ। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवच्छायानम, नमो लोये सर्वसाहूनम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलानंच सव्येसिं पढ़मं हवै मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद समनी जी और वंदन आपको। इस शुभ शुरुआत के बाद में मैं अपने गोदावत साहब का परिचय देना चाहूंगा। प्रोफेसर श्यामलाल जी गोदावत हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ 37 इयर्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टीचिंग रिसर्च एंड एक्सटेंशन। ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ सर्विस ही होल्ड्स मेनी की पोजिशंस इन महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर, लाइक टेक्निकल प्रोजेक्ट लीडर, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एटसेट्रा। ही सर्व राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर एंड रिटायर्ड एज डीन इन 2012। प्रोफेसर गोदावत गाइडेड अ डोजन ऑफ एमएससी एग्रीकल्चर एंड पीएचडी स्कॉलर्स फॉर देयर डिसर्टेशंस। ही पब्लिश 50 रिसर्च पेपर्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स along with 70 popular articles for the welfare of farmers. Professor Godavat developed many high-yielding hybrids and varieties of maize for poor farmers. He had professional international exposure and visited Mexico, China, Indonesia, France, England, Australia, and Germany as representative scientists for improvement in research and education in the field of agriculture in India. As regards spiritual side, he extensively studied many Jain scriptures and is a man of Jain principles and has a sense of social services. Being a scientist, he is actively involved in discussion related to science and Jainism and exploring the scientific nature of Jain philosophy. Professor Godavat is closely associated with Digambar Sen and keenly involved in Aharcharya and help in their services. Professor Godavat participated in conference organized by SOS University of London, London in March 2015. It was sponsored by Gyan Sagar Science Foundation. He is recipient of many awards and titles such as Vigyan Shri, Adharma Prabhakar, Gyan Shri Gyan Dani in the auspicious presence and blessings of Vaigyanik Dharmacharya कनक नंदी गुरुदेव बाई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उनका बहुत जबरदस्त अनुभव है, और आपको पता है कि जो जो पहला व्याख्यान था उनका वो भी बहुत अच्छा था, उसको उससे मोटिवेट होकर कि हमने मतलब उनसे अनुरोध किया था कि वो इसको कंटिन्यू करें और डिटेल में जाए मतलब, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। तो डॉक्टर गोदावत, धन्यवाद पोखंडा साहब। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये पंच परमेष्ठी भगवान की जय। वर्तमान दिन शासन नायक महावीर भगवान की जय। सधर्मी बंधुओं, पिछला व्याख्यान जो मेरा हुआ वो आयु कर्म और उसकी बंध प्रक्रिया के ऊपर हुआ था, और उसमें करीब मैंने 16 स्लाइड्स दिखाई थी,
और पूरा प्रेजेंटेशन थोड़ा लंबा था तो उस वक्त पूरा करना संभव भी नहीं था और मैं चाहता भी नहीं था कि इसको जो है इतना हल्के में लेकर के इसको समाप्त करें। आप सबकी भी जिज्ञासा थी, मेरी खुद की भी जिज्ञासा था कि मैं इसको विस्तार से बताऊं। तो ये आयु कर्म और उसकी बंध प्रक्रिया ये जो है कर्णानुयोग का विषय है मुख्य रूप से, और मैं इसके ऊपर बिल्कुल बेसिक बुनियादी रूप से बिल्कुल सरल भाषा में इसको बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जन्म मरण से संबंधित है, अपने आश्रय और बंध से संबंधित है, और कर्णानुयोग का विषय जो है विषय वैसे ही बहुत जटिल होता है कर्णानुयोग का, पर इसका मैंने सरलीकरण करके और अच्छी तरह से इसकी स्लाइड्स बना करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास मैं करूँगा आपको। तो पिछली स्लाइडों में जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आयु कर्म के बंध के लिए आत्मा स्वयं ऐसे कार्य करती है, जीव स्वयं ऐसा कार्य करता है जिससे कि उसके आयु कर्म बंद होते हैं, और वो आयु कर्म जब तक उसके निषेक आयु कर्म रहते हैं तब तक जीव को अपन उसको उसको जीवंत कहते हैं, और आयु कर्म निषेक पूर्ण होने पर उसकी जो है अपन कहते हैं आयु पूर्ण हो गई और उसको अपन मरण कहते हैं। तो व्यवहार से ये मरण और जन्म है ये व्यवहार से है, निश्चय से तो आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं, परंतु उस आत्मा के साथ जो प्राण लगे हुए हैं उन प्राण का क्षरण होना उससे उसको अपन मरण कहते हैं। तो उन प्राणों में से कुल 10 प्राण है, उसके मैं चर्चा आगे करूंगा। तो 10 प्राणों में से आयु प्राण भी एक मुख्य प्राण है, आयु प्राण है, और बाकी के दूसरे 9 प्राण और भी हैं जो इंद्रिय प्राण है, बल प्राण है, श्वासोच्छ्वास प्राण है, इस प्रकार से 4 प्राण है ये, और तो सबको उसके उत्तर भेद करते हैं 4 प्राण के, तो कुल 10 प्राण होते हैं। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा आपके सामने। तो इस विषय को मैं और आपके कर्णानुयोग को आधार लेकर के और इसको मैं आगे और इसको बताने का सरल तरीके से प्रयास करूंगा, फ्लो डायग्राम फ्लो चार्ट से भी मैं बताने का प्रयास करूंगा ताकि आसानी से अपन इसको समझ सकें। अब जैसे भंडारी साहब ने पिछली बार भी फरमाया था तो जो 8 अपकर्ष काल है जिससे मैंने आपको बताया था उस वक्त कि जो बद्धमान आयु जो आयु अपनी टोटल भुजमान आयु है जो चल रही है अपन भोग रहे हैं अभी जिसका उदय चल रहा है जिस आयु का उसके जब 2/3 भाग आयु पूरी हो जाती त्रिभाग आयु जब कंप्लीट हो जाती है तब 8 अपकर्ष काल में उस आयु का अगले भव में आपके पर भव में किस पर्याय में जाना है उसका बंध होता है उसको अपन बद्धमान आयु कहते हैं। तो ये पुरानी बात को मैंने वापस एक अभी इंट्रोडक्शन के रूप में वापस मैंने प्रस्तुत की है। तो ये जो आयु का बंध होता है जो बद्धमान आयु है वो डिसाइड करेगी आपको कि आपको आगे किस पर्याय में जाना है। तो उसके लिए कौन कौन से आश्रव के कारण है जिसकी वजह से आपको जो चारों गतियां हैं चारों आयु है उसका बंध होता है, तो वो जो बेसिक कारण क्या है जो आगम में वर्णित है उसको मैं संक्षेप में यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद जो प्राण है सारे उन प्राणों को कर्णानुयोग की अपेक्षा से और आयु को कर्णानुयोग की अपेक्षा से मैं आपको यहाँ बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो नरक आयु के आश्रव के क्या क्या कारण है, जीव नरक गति में जाता है जो 4 गतियां हैं 4 आयु है, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और तिरंज गति, ये चारों गतियां हैं। इसमें से जो पहले बता रहा हूँ नरक आयु के आश्रव के क्या कारण है, किन कारणों से नरक आयु का बंद होता है, तो तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने अध्याय 6 के अंदर 15वें सूत्र के अंदर बताया है कि बहु आरंभ और परिग्रह नरक आयु के आश्रव के कारण है। उसी तरह से तत्वार्थ सार के अंदर गाथा नंबर 30, 31, 32, 33 और 34 में कहा है कि तीव्र मान करना पाषाण शिला के समान तीव्र क्रोध करना, मतलब पत्थर की लकीर के समान क्रोध मान माया लोभ करना, इस तरह की जो आपके तीव्र कषाय रहता है जो पाषाण की शिला के समान होता है, फिर मिथ्यात्व का धारण करना मिथ्यात्व के कारण तीव्र लोभ करना, निरंतर निर्दयता के भाव रखना, निरंतर झूठ बोलना, सदा परधन हरण करने की भावना रखना, निरंतर मैथुन सेवन करना, काम भोग संबंधी अभिलाषाएं रखना, जिनेन्द्र भगवान में दोष लगाना, मतलब अवर्णवाद करना, जो 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 दोष जिनेन्द्र भगवान में है नहीं, जो अरियंत में तीर्थंकरों में दोष है नहीं उनके ऊपर दोष लगाना, वो ये अवर्णवाद करना, ये भी नरक गति के आश्रव का कारण है। जिनागम का खंडन करना और या तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करना, इसको आपको ध्यान रखना है अपने को कि जो मूल
भगवान की जो देशना है, जो मूल आपके ग्रंथ है, उनको तोड़ मोड़ करके अपने स्वच्छंद तरीके से उसको प्रस्तुत करना और अपने स्वच्छंद ग्रंथ अपनी मर्जी से बना देना, यह भी जो है नरक गति का आश्रय के कारण है। शील रहित होना, बहु आरंभ और परिग्रह करना, कृष्ण लेश्य रूप परिणति करना तथा चार प्रकार का रौद्र ध्यान, ये सब नरक आयु के आश्रय के कारण है। रौद्र ध्यान मतलब चार प्रकार के रौद्र ध्यान बताए हैं, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। मतलब हिंसा करके आनंद का अनुभव करना, मृषानंदी झूठ बोल करके आनंद का अनुभव करना, चोरी करके आनंद का अनुभव करना और बहुत परिग्रह करके आनंद की अनुभूति करना, ये सब रौद्र ध्यान में आते हैं। तो ये सारे के सारे कारण जो है ये नरक आयु के आश्रय के कारण है। इसी तरह से अब तिरंच आयु के आश्रय के क्या कारण है, तो तिरंच आयु के आश्रय के कारण में बताया है कि मायाचार तिरंच आयु के आश्रय के कारण है। चारित्र मोहनी के उदय से आत्मा में जो कुटिल भाव बनते हैं और जो मायाचारी होती है वो जो है तिरंच गति के आश्रय का कारण है। मिथ्यात्व युक्त अधर्म का उपदेश करना, नील व कापोद्लेशों के परिणाम, मरण काल में आद्र रोध परिणाम रखना, छल करना, प्रपंच करना, षड्यंत्र रचना, विसंवाद करना, विसंवाद में रुचि रखना, विकथा करना। विकथा मतलब जो है स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथा और राज कथा, ये चार प्रकार की कथाएं आगे में बताई है। तो विकथा में ज्यादा रुचि लगना ये भी जो है तिरंच आयु के आश्रय के कारण है। मिलावट इत्यादि करना, मिलावट खोरी करना, झूठे नाप तोल रखना, मेजरमेंट सही नहीं रखना, झूठे मतलब कर करके तोलना, नकली को असली कर कर देना, दूसरों को ठगना इत्यादि, ये सब तिरंच आयु के आश्रय के कारण है। इसी प्रकार से मनुष्य आयु के आश्रय के कारण जो है वो है अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, मनुष्य आयु के आश्रय के कारण है। नरक आयु के आश्रय के विपरीत भाव मनुष्य आयु के आश्रय के कारण है। जो नरक आयु के जितने भी बताए हैं उसके जस्ट अपोजिट जो आप करोगे वो मनुष्य आयु के आश्रय के कारण है। मिथ्या दर्शन से रहित रहना, मिथ्या से रहित रहना यानी सम्यक रखना, विनित स्वभाव रखना, विनित परिणाम, भद्र प्रमाण परिणाम रहना, प्रकृति की भद्रता, मार्दव और आजव परिणाम रखना, मतलब कुटिल या अहंकारी मायाचारी से रहित होना, इसको कहते हैं मार्दव और आजव परिणाम। तो अच्छे आचरण में सुख मानना, रेत की रेखा के समान क्रोध करना, क्रोध जो आ भी गया है तो थोड़े समय के लिए आया, जैसे रेत के ऊपर रेखा की और थोड़े समय के बाद में खत्म हो जाती है, इस प्रकार का जो अगर क्रोधमान माया होता है, लंबे समय तक क्रोधमान माया नहीं रखना, लंबे समय तक रखता है जीव तो वो अनंतानुबंधी क्रोध में चला जाता है, परंतु जो मंद परिणामी होते हैं, मंद कसाई होते हैं, तो उनको जो है वो रेखा के समान, धूल के रेखा के समान, मतलब रेत की रेखा के समान क्रोध होना, मंद कसाय, सरल व्यवहार, संतोष में रति, मतलब संतोष में संतोष रखना, हिंसा से अरति, हिंसा से दूर रहना, दुष्ट कार्यों से निवृत्ति, कम बोलना, ईर्ष्या से रहित, प्रकृति मधुरता, अल्प संक्लेश, देवशास्त्र गुरु अतिथि की पूजा सत्कार में रुचि, दान कपोत पित्तलेश्या के परिणाम, मरण के समय में धर्म ध्यान में परिणति करना, ये सब जो है मनुष्य आयु के आश्रय के कारण है। इसी प्रकार से देवायु के आश्रय के क्या कारण है, तो देवाश्रय को आयु के आश्रय के कारण है कि सम्यक के साथ नियम से जो जीव होता है, जो सम्यक को धारण करता है वो जीव नियम से देव बनता है। तो सम्यक के साथ नियम से वैमानिक देव की आयु का बंध करता है और संयम से भी स्वर्ग के देव की आयु का बंध होता है। अकाम निर्जरा अज्ञान पूर्वक संयम का पालन करने वाले मंद कसाई और बाल तप तपने वाले तत्व ज्ञान से शून्य तप तपने वाले भी भवनक त्रयी भवनवासी व्यंतरवासी और ज्योतिष देव का आश्रय करते हैं। तो देव चार प्रकार के होते हैं, एक कल्पवासी देव, एक जो है भवनवासी देव, तीसरे व्यंतर जाति और चौथे होते हैं ज्योतिष। तो ये भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष इनको भवनक त्रयी देव कहते हैं और जो कल्पवासी देव है उनको जो है वो सबसे उच्च श्रेणी के देव होते हैं। और जो सम्यक के साथ जो होता है, जो पूर्ण सम्यक के साथ जो जीव अपने आयु पूर्ण करता है वो जो है वैमानिक देव बनता है, कल्पवासी देव बनते हैं। और जो जिनके अकाम निर्जरा या बाल तप और इस तरह के जो परिणाम के साथ में जो देव को छोड़ता है वो भवनक त्रयी देव में अपना स्थान ग्रहण करते हैं।
तो इस प्रकार से ये यहाँ पर चारों प्रकार की आयु के बंध के परिणाम के बारे में बताया कि इन परिणामों से हम अपनी इस आयु का बंध करते हैं और जो परभव में जो अपना अपना जो गति जाती है वो इस प्रकार से इन परिणामों से जाती है। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, पूछ सकते हैं प्रश्न आप पूछना सर, थोड़ा अभी बाद में थोड़ा एक बार चर्चा हो जाए, अच्छा। थोड़ा आराम से पूछेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। अब अविची मरण, अब जो है अपन क्योंकि आयु जब पूर्ण होती है तो उसको मरण कहते हैं, पर जो आयु के निषेक हर समय कम होते जाते हैं, क्योंकि जो भुज्यमान आयु है वो उदय में है, उदय में हमेशा जो चलती है, तो जो चीज उदय में रही तो उसके निषेक ग्रेजुअल कम होते जाते हैं। तो इस प्रकार से हर समय जो आयु के निषेक कम होना, उसका क्षरण होना, उसको अविची मरण कहते हैं। तो आगम में जो है कुल 17 तरह के मरण को वर्णन किया है, मैं कुछ आगे और बताऊंगा अभी, पर जो प्रत्येक समय जो आयु का क्षरण होता है, खत्म होती है, उसको अविची मरण कहते हैं। और जो जीव भुज्यमान आयु को पूरी कंप्लीट कर देता है, जो व्यवस्थित जिसका मरण होता है, जो अकाल मरण भी नहीं होता है, व्यवस्थित यानी काल मरण होता है, व्यवस्थित मरण होता है, और भुज्यमान आयु को पूरी करके और जो इस देह को छोड़ता है उसको तद्भव मरण कहते हैं। अब इसमें आगम के अंदर मरण के, जैसे मैंने बताया आपको कि मरण के भेद 17 प्रकार के आगम में बताए हैं, परंतु जो बहुत प्रचलित जो है, ज्यादातर जो संक्षेप में 5 प्रकार के मरण जो बहुत प्रचलित है, जिसको भगवती आराधना में गाथा नंबर 25, 26, 27, 28 और 29 में, और मरण कंडिका में अमित गति स्वामी ने भी इस प्रकार के मरण का वर्णन किया है। तो मरण के प्रकार जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, मरण के प्रकार वो है, पहला है पंडित मरण। तो जो जीव सारे कषायों का खत्म कर दिया जिन्होंने, जो अयोग्यवली अवस्था है, यानी कि 14 गुण स्थान में जो अयोग्यवली अवस्था है, वो अयोग्यवली 14 गुण स्थान में, जो कि जिस जीव का वापस जन्म नहीं होता है, रीबर्थ नहीं होता है, और वो सीधे जो चरम शरीरी होते हैं और इस देह को छोड़कर के हमेशा में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, तो वो जो अंतिम शरीर को छोड़ते हैं और फिर वापस पुनर्जन्म नहीं होता है और सिद्धालय में पहुंच जाते हैं, तो ऐसे जीवों का जो मरण होता है उसको कहते हैं पंडित मरण, जिनका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसी प्रकार से पंडित मरण है वो होता है महावृत्ति होता है, जो छठे और सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज होते हैं उनके मरण को पंडित मरण कहते हैं, और जो पांचवें गुण स्थान वृत्ति है अविरत सम्यक दृष्टि, जिसको संयमासन भी कहते हैं या वीरता विरत भी कहते हैं, देश विरत भी कहते हैं, ये पांचवें गुण स्थान वाले जो जीव होते हैं उनका जो मरण होता है उसको बाल पंडित मरण कहते हैं, और बाल मरण कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले जो जीव होते हैं उनका जो देह छोड़ते हैं और उनका जो मरण जो होता है चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव का, उनको अपन बाल मरण कहते हैं, और बाल मरण मतलब जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उनके मरण को जो है बाल मरण कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के मरण जो मुख्य रूप से प्रचलित होते हैं, और यही अपने ज्यादातर जो है उपयोग में यही प्रकार के मरण आते हैं, और एक अविची मरण जैसे मैंने बताया, और एक तद्भव मरण, ये जो है इनकी परिभाषाएं ज्यादातर अपने उपयोग में आती है। अब ये तो बात होगी अपनी सारी आयु के बारे में, अब मैं आपको, क्योंकि आयु 10 प्राण में से आयु एक महत्वपूर्ण एक प्राण है, वो आयु है, ये भी पौद्गलिक है, और बाकी के जो 9 प्राण है वो भी पौद्गलिक है, और इन प्राणों को हमने स्वयं ने उत्पन्न किया है, इनका आश्रय और बंध हमने स्वयं ने किया है, और ये प्राण हम इन्हीं प्राणों को आश्रय बंध करके अगली गति में जाते हैं, और यही प्राण जो हमारे अगली गति के अंदर प्राण के रूप में ये अपने प्रकट होते हैं। अब प्राण के बारे में आदरणीय कच्छारा साहब ने बहुत अच्छा व्याख्यान किया था पहले, पर मैं इसको कर्णानुयोग के विषय को लेते हुए और वर्तमान परिप्रेक्ष को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा से प्राण के बारे में चर्चा करूंगा, और इस प्राण के साथ में जो आयु कर्म का है उसके महत्व को भी यहां मैं इसके साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा। आत्मा जीव जिसके संयोग से जीवन संज्ञा को प्राप्त करता है और वियोग से मरता है उसे प्राण कहते हैं। स्थूल शरीर में चैतन्य की अभिव्यक्ति को प्राण कहते हैं।
जीव में जीवत्व के लक्षण को प्राण कहते हैं। ये सारे सब प्राण के एकार्थ हैं, ये सब प्राण की परिभाषा में इसको अपन गर्भित कर सकते हैं। अब प्राण को अपन देखें तो दो प्रकार के प्राण हैं, एक बाह्य प्राण यानी द्रव प्राण और दूसरा है अभ्यंतर प्राण यानी भाव प्राण। जो बाह्य प्राण है जो अपने को बाहर से दिखते हैं, अपने को बाह्य प्राण जो अपने को दृष्टिगोचर है, तो अभ्यंतर प्राण है जो क्षयोपशमिक है, जो जो भाव है उस भाव को अपन जो है अभ्यंतर प्राण कहते हैं भाव को। इसमें इस तरह से जो बाह्य प्राण और अभ्यंतर प्राण, ये प्राण को अपन यहाँ दो कैटेगरी के अंदर बताया है। द्रव इंद्रियां द्रव प्राण है और क्षयोपशमिक भावेंद्री भाव प्राण है। तो जो भाव जो है मति ज्ञान के क्षयोपशम से जो छह प्राण उत्पन्न होते हैं वो क्षयोपशमिक है, वो भाव आगे मैं फ्लो चार्ट में समझाऊंगा और अच्छी तरह से। तो जो मति ज्ञान के क्षयोपशम से जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो भावेंद्रियां, और जो द्रव इंद्रियां हैं जो नामकर्म के उत्पन्न होने वाली है वो द्रव इंद्रियां हैं। तो दोनों का द्रव इंद्रिया और भाव इंद्रिया है, इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन दोनों का अलग अलग है। एक कर्म के क्षोभसम से मति ज्ञान के क्षोभसम से उत्पन्न हो रहा है और दूसरा है नाम कर्म के उदय से ये जो है आपकी जो द्रव इंद्रिया है वो उत्पन्न हो रही है। अब बाह्य प्राण यानी द्रव प्राण और अभ्यंतर प्राण यानी भाव प्राण का कार्य इंद्रिय व्यापार है। तो जो इंद्रिय का जो व्यापार इंद्रियों का काम है वो द्रव प्राण और भाव प्राण दोनों की वजह से होता है। जैसे आंखों का खोलना बंद करना देखना, इसी प्रकार से दूसरे में भी सुनना के कान से सुनना नाक से सूंघना, ये सारे जो काम है वो सब इन इंद्रियों के माध्यम से होता है। तो अब ये जो द्रव इंद्रियां हैं ये दो भेद है द्रव इंद्रियों के, द्रव इंद्रिया और भाव इंद्रिया बताई दो प्रकार की। तो द्रव इंद्रियों के दो भेद है निवृत्ति और उपकरण, निवृत्ति की भी दो भेद है बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति, और उपकरण के भी दो भेद हैं बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण। ये आगम के हिसाब से इसके और फ्लो चार्ट में समझाऊंगा मैं, और लिविंग सिस्टम इन जैनिज में जो कछारा साहब की पुस्तक है उसके अंदर भी इसकी विवेचना बहुत अच्छी कछारा साहब ने की है, उसी को मैं अब ये फ्लो चार्ट में आपको समझाऊंगा इंद्रियों के बारे में यहाँ पर, कि इंद्रियां एक द्रव इंद्री और दूसरी भाव इंद्री। तो द्रव इंद्री है वो नाम कर्म से रची जाती है और भाव इंद्री है वो वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से इसकी रचना होती है। तो दोनों इंद्रियां द्रव इंद्रिय और भाव इंद्री, इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन अलग अलग है। ये वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से हो रही है जो जिसको अपन अभ्यंतर में अपन साधन करेंगे अभ्यंतर में, और द्रव इंद्रिय है ये इसको अपन बाह्य से जो बाह्य इंद्रिय उसको अपन लेंगे जो नाम कर्म की जो है प्रकृति के अंदर ये गर्भित है। अब ये द्रव इंद्रिय है इसके दो भेद है द्रव इंद्रिय के, एक निवृत्ति और दूसरा उपकरण। निवृत्ति के भी दो भेद जैसे मैंने अभी पहले बताया, निवृत्ति के भी दो भेद हैं बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति, और उपकरण के भी दो भेद हैं बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण। अब थोड़ा सा मैं इसको इसका खुलासा यहाँ करूंगा आपको कि निवृत्ति के दो भेद हैं मतलब बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति। अब बाह्य निवृत्ति क्या चीज है कि विशुद्ध आत्म प्रदेश में इंद्रियों के नाम से कहे जाने वाले पुद्गल परिचय। तो मतलब जैसे मान लीजिए आप आंख का उदाहरण अपन ले रहे हैं और इसके अंदर अभ्यंतर निवृत्ति मतलब यह है कि जो आंख है आगम में इसको बताया मसूर के आकार की, तो जो आंख के जहां पर जिस एरिया में आंख आपकी है उस एरिया के जो आत्म प्रदेश है उसके अंदर जो विशुद्ध आत्म प्रदेश है उसको अभ्यंतर निवृत्ति के अंदर सम्मिलित किया गया है। तो जो आत्म प्रदेश इस एरिया में जहां तक आपके उस एरिया के अंदर है वो अभ्यंतर निवृत्ति के अंदर आएगा, और उस एरिया के साथ साथ जितने पुद्गल परिचय उसके साथ लगे हुए हैं वो बाह्य निवृत्ति के साथ में आएंगे। जैसे आंख है तो आंख के अंदर जो बाहर ये जो आंख की पलक है और ये भौहें वगैरह है ये उपकरण के अंदर आएगा, तो ये बाह्य उपकरण के अंदर आएगी, पलकें वगैरह जो है ये बाह्य उपकरण में आएगी, और अभ्यंतर उपकरण के अंदर जो आपका जो लेंस है और जो प्यूपिल है और जो काला दिख रहा है आपको आंख में सफेद और जो कला मंडल है ये बाहर का आईबॉल के बाहर की जो चीज है ये आएगी आपके अभ्यंतर उपकरण के अंदर,
और पलके वगैरह जो कुछ है, ये बाल आंखों के ऊपर पलके वगैरह है, ये बाएं उपकरण के आगे, और इसके अंदर जब इमेज बन करके जाती है और रेटिना पर जाती है इमेज अंदर, तो उस रेटिना के पास में जितने भी आत्म प्रदेश लगे हुए हैं और उसके साथ जितना पुद्गल लगा हुआ है, जितने आत्म प्रदेश लगे हुए हैं उसके साथ में, रेटिना के साथ में, और जितनी ऑप्टिकल नर्व लगी हुई है, वो जो है वो आत्म प्रदेश लगे हैं, वो है अभ्यंतर निवृत्ति, और उसके साथ में जितने भी पुद्गल परिचय लगे हुए हैं उसके साथ में, वो आती है बाह्य निवृत्ति। तो इस प्रकार से ये द्रव इंद्रियों का जो सारा है, ये जिस तरह से आंख में अपन ने गठित किया, उसी तरह से इसको कान में और ग्राण में भी अपन इसको इसी प्रकार से गठित कर सकते हैं। तो कान के अंदर जो बाहर वाला, ये जो बाहर वाला पोर्शन होगा, ये वाला आएगा बाह्य उपकरण होगा, और अंदर जो ट्यूब वाला स्ट्रक्चर होकर के जो अंदर जो आपकी डायफ्राम है कान के अंदर, जहां पर आपके वर्ड्स की जो वाइब्रेशन जाता है, वो वाला जो पोर्शन आएगा वो अभ्यंतर उपकरण के अंदर आएगा, और उसके साथ जो पुद्गल परिचय लगे हुए हैं वो सारे इसके अंदर। इस प्रकार से अपने को इसको समझना चाहिए इस तरह से। तो जैसे अपन ने आंख में समझा, उसी तरह से इसको कान में और नाक में और अन्य इंद्रियों में भी अपने को इसमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये मैंने जो है इसका एक फ्लो डायग्राम में बताया, और लिविंग सिस्टम इन जैनिन जो कचरा सामने दिया उसके अंदर भी इसकी विवेचना निवृत्ति और उपकरण की बहुत अच्छी तरह से आपने की है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये जो इंद्रियां हैं, ये 12वें गुणस्थान तक इंद्रियों का उपयोग होता है। 12वें गुणस्थान तक, पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक इंद्रियों का उपयोग होता है, उसके बाद इंद्रियों का उपयोग नहीं होता है। संयोग केवली अयोग केवली वगैरह में इंद्रियों का उपयोग नहीं है, क्योंकि वहां पर मति ज्ञान खत्म हो गया है, वहां पर ज्ञानावरणी कर्म खत्म हो गया, क्षय हो गया ज्ञानावरणी कर्म का, और केवल ज्ञान प्रकट हो गया, इसलिए मति ज्ञान वहां है ही नहीं। तो मति ज्ञान नहीं है तो वहां पर जो है भाव इंद्रिया भी नहीं रहेगी। द्रव इंद्री वहां पर है, पर वो द्रव इंद्री वहां पर क्योंकि नाम कर्म है अभी वहां पर, इसलिए नाम कर्म है, इसलिए द्रव इंद्री तो है, पर वो द्रव इंद्री नॉन फंक्शनल है, क्योंकि जब तक भाव इंद्री नहीं होगी तब तक द्रव इंद्री कोई काम नहीं करेगी, और जब तक द्रव इंद्री दोनों का होना जरूरी है, इंद्रियों को फंक्शनल होने के लिए द्रव इंद्री और भाव इंद्री दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है अपने को ये समझना चाहिए कि 12वें गुणस्थान तक इंद्रियों का उपयोग होता है, इसलिए 13वें गुणस्थान के ज्ञान को अपन अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। जो इंद्रियातीत ज्ञान है उसमें, उस ज्ञान में इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए 12वें गुणस्थान तक इंद्रियों का उपयोग है, उसके बाद आगे इंद्रियों का उपयोग नहीं है। 12वां गुणस्थान के नीचे अगर कोई कहता है कि मुझे अतीन्द्रिय ज्ञान है तो वो बात आगम सम्मत नहीं है। इस तरह से ध्यान रखना अपने को। इसके अंदर जो आगम की सम्मत बात है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी है। विग्रह गति का जो जीव होता है, जो माइग्रेटरी सोल होता है, जब एक पर्याय छोड़ के दूसरे पर्याय जब जाता है विग्रह गति में, तो वहां पर भाव इंद्रिया तो है पर द्रव इंद्रिया वहां पर नहीं, क्योंकि वहां पर जो विग्रह गति में जा रहा है तब उस जीव के मति ज्ञान तो है ही है, इसलिए मति ज्ञान होने की वजह से वहां पर भाव इंद्रिया है पर वहां पर द्रव इंद्रिया वहां पर नहीं है। ये फ्लो चार्ट में मैंने समझाने का प्रयास किया है। प्रत्येक संसारी जीव द्रव प्राण और भरापार प्राण और अशुद्ध चेतन प्राण। तो संसारी जीव का जो चेतन प्राण, जो मैंने कहा ना आपको चेतन प्राण, तो चेतन प्राण है वो शाश्वतिक प्राण है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो जो अशुद्ध चेतन, जो तो संसारी जीव के अंदर जो प्राण है वो अशुद्ध चेतन प्राण है, और सिद्ध भगवान के जो प्राण है वो शुद्ध चेतन प्राण है। तो संसारी जीव के चेतन प्राण में और सिद्ध भगवान के चेतन प्राण को अपने को समझना है कि संसारी जीव के अंदर जो चैतन्य प्राण है वो अशुद्ध है क्योंकि वो कर्म जनित है, और सिद्ध भगवान के अंदर जो प्राण है वो चैतन्य प्राण है, वो दर्शन ज्ञानमय अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर से युक्त जो प्राण है वो चेतन प्राण, वो शुद्ध प्राण है सिद्धों के अंदर। अब प्राणों को यहाँ व्यवहार प्राण यानी भौतिक प्राण या फिजिकल प्राण जो कहेंगे, वो 10 प्राण की चर्चा में यहाँ पर आपको इसके साथ बताऊंगा कि जो 5 इंद्रिय है, 3 बल और 1 श्वासोश्वास और आयु, ये कुल 10 प्राण है। तो इंद्रिय 1, बल 1, श्वासोश्वास और आयु, ये 4 हुए, और इनके उत्तर भेद अपन मिलाते हैं तो कुल 10 प्राण होते हैं। इन 10 प्राणों में से जो अपने योग्य प्राणों से वर्तमान में जीता है और भविष्य में जिएगा और भूतकाल में जिया है, वह व्यवहार नैसे जीव है। तो जो इन 10 प्राणों से जीव जी रहा है वो व्यवहार नैसे उसको अपन जीव कह रहे हैं, क्योंकि ये जो जीव प्राण है वो एक पर्याय तक ही कन्फाइंड है,
दूसरे पर्याय में जाएंगे तब वो प्राण उसने इस पर्याय में बांधे प्राण, वो प्राण जाकर के आगे आगे की पर्याय में वो प्राण जाएगा, विग्रह गति में जीव वो प्राण लेकर के जाएगा। अब वो कितने प्राण लेके जा रहा है आगे बताऊंगा इसमें, कि एक मान लीजिए मनुष्य है तो मनुष्य के 10 प्राण है, तो ये जरूर नहीं कि सब जीवों में 10 प्राण है, एक इंद्र जीव में 4 प्राणी है। इसी तरह से आप देखेंगे कि 2 इंद्रिय जीव है तो उसके 6 प्राण है, असंगी पंचेंद्रिय जीव है तो उसके 9 प्राण है, इस तरह से लगाना चाहिए इंद्रियों के हिसाब से। तो वो प्राण जितने आपने कैसे आयु का बंद किया, अगर मनुष्य आयु आपकी अभी है और आपने अगर मान लीजिए एक इंद्रिय जीव का अगर आपने बंद किया है, एक इंद्रिय में आप जन्म ले रहे हो, तो वो 10 प्राण से घट करके आपके 4 प्राणी रह जाएंगे। अगर 2 इंद्रिय में जन्म लिया है तो आपके 6 प्राण रह जाएंगे, अगर 3 इंद्रिय में जन्म लिया है तो 8 प्राण रह जाएंगे। इस तरह से अपनों को उसके अंदर घटाना, इसकी और आगे मैं विवक्षा और बताऊंगा इसके व्यवहार से। तो यहाँ पर द्रव्य संग्रह में नमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती बता रहे हैं कि व्यवहार नय से जिसकी 3 काल में 4 प्राण, इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास तथा निश्चय नय से जिसकी चेतना प्राण है वह जीव है। तो निश्चय नय से मतलब शुद्ध प्राण, जिसे चेतना प्राण जिसको अपन कह रहे हैं वो निश्चय नय से, और बाकी जो है ये व्यवहार नय की बात है। तो जो मरण हो रहा है वो व्यवहार नय से मरण हो रहा है, व्यवहार नय से मरण हो रहा है, निश्चय नय से जीव का मरण नहीं हो रहा है। पर यहाँ पर आगे और विवक्षा में बताऊंगा मैं, निश्चय प्राण अमूर्तिक प्राण है और जीव के असली प्राण यही है, क्योंकि इसके बिना जीव का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। संसारी जीव में यह प्राण अशुद्ध है और मुक्त जीव में यह शुद्ध है, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था। तो ये असली प्राण तो ये आपके अमूर्तिक प्राण जो है, दर्शन ज्ञान में प्राण यही असली प्राण है, और बाकी तो जो 10 प्राण है ये कर्म जनित प्राण है, और आपको आपने स्वयं ने आप स्वयं इन प्राणों के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। द्रव प्राण ये पौद्गलात्मक है जो जीव का स्वभाव नहीं है, ये जो द्रव प्राण है जीव का स्वभाव नहीं है, दिस इज नॉट द इटर्नल प्रॉपर्टी ऑफ द सोल। यह प्राण विवक्षित पर्याय की अवधि तक शरीर में चेतना की अभिव्यक्ति करता है। तो जितने समय तक विवक्षित पर्याय के अंदर, एक पर्याय के अंदर चाहे मनुष्य पर्याय तीर्थ, तो उस विवक्षित उस पर्याय के अंदर उस शरीर के अंदर वो चेतना की अभिव्यक्ति करता रहता है। तो ये प्राण जब तक है तब तक उसमें चेतना की अभिव्यक्ति होती है, और ये जब ये निकल गया आपका, जब ये चेतन प्राण निकल गया तो जो है वो जीव मृत्यु डिक्लेयर हो जाती है। तो शरीर के अंदर चेतना की अभिव्यक्ति जो है तो इस चेतन प्राण से उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो मुर्दे के अंदर जब प्राण है तब तक तो वो जिंदा है, जब प्राण निकल गया तो मुर्दा है। तो उसके अंदर ये जो है उसके अंदर अपने अपने शरीर में जो चेतना की अभिव्यक्ति हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, अंदर जो भगवान स्वरूप आत्मा बैठी हुई है उसकी वजह से शरीर में चेतना की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। शरीर का हिलना डुलना सब कुछ हो रहा है, वो भगवान स्वरूप आत्मा जो बैठी है, जो चेतना शक्ति बैठी है उसकी वजह से हो रही है। इसके अंदर वो चेतना शक्ति जो कुछ भी है, तो जो मेन ड्राइवर है वो तो चेतना है। तो सारा जो शरीर की क्रिया हलन चलन जो कुछ भी हो रही है वो चेतना शक्ति इसकी वजह से अभिव्यक्ति हो सकती है। पर्याय की अवधि समाप्त होने पर यह प्राण भी समाप्त हो जाते हैं, जिसे हम व्यवहार से मरण कहते हैं, और नवीन पर्याय को धारण करने को हम जन्म कहते हैं। अब इसका एक फ्लो चार्ट और मैं अच्छी तरह से समझाने के लिए यह बनाया है मैंने। तो प्राण को कुल 4 प्रकार के मुख्य रूप से उत्तर भेद के हिसाब से 10 प्राण है, 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, 1 आयु प्राण और 1 श्वासोच्छ्वास प्राण। तो ये 1, 2, 3 और 4 प्राण है, 5 इंद्रिय, 3 बल, 3 आयु, 1 आयु और 1 श्वासोच्छ्वास। तो इन सबको टोटल करेंगे तो 10 बनते हैं। अब इंद्रिय प्राण के अंदर स्पर्शन रसना ग्राण चक्षु और कर्ण और मन, ये जो 6 प्राण है ये भाव प्राण की श्रेणी के अंदर आते हैं। ये भाव प्राण और ये भाव प्राण है जो कि गातिया कर्म के क्षोभ से प्रकट होते हैं, और वचन और काय बल ये नाम कर्म की प्रकृति है। तो अब ये इंद्रियां जो जैसे मैंने बताई, द्रव इंद्रिय है ये अंगोपांग नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होती है जो अगत्या कर्म है। तो 1 से 6 है ये द्रव इंद्रियां हैं। ये कौन सी इंद्रिय? स्पर्शन रसना ग्राण चक्षु कर्ण और मनोबल, ये है द्रव इंद्रिय जो कि नाम कर्म अंगोपांग नाम कर्म के उदय से ये प्रकट होती है। ये द्रव इंद्रिय की बात हो गई।
अब भाव इंद्रिय है वो विर्यांतर है वो मति ज्ञानावरणी कर्म के एक शोषण से उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया। तो ये गातिया कर्म के खाते में है, तो ये द्रव ये जो एक से छह गातिया कर्म के खाते में है और भाव इंद्रिया है वो गातिया कर्म के खाते में है। तो भाव इंद्रिया है वो गातिया कर्म के उसके अकाउंट में जाएगी। तो इस प्रकार पांच इंद्रिय तीन बल एक श्वासोच्छ्वास और एक आयु 10 प्राण जिसे द्रव प्राण औद्गलिक प्राण मूर्तिक प्राण भौतिक प्राण व्यवहार प्राण ये सब कह सकते हैं, ये सब एकार्थ ही है। तो ये फ्लो चार्ट मैंने आपको दसों प्राण के बारे में बताया और इनकी उत्पत्ति के बारे में बताया और आगे विस्तार बताऊंगा कि द्रव इंद्रिया और भाव इंद्रिया, द्रव इंद्रिया कैसे उत्पन्न होती है, भाव इंद्रिया कैसे उत्पन्न होती है। तो जो भाव इंद्रिया होती है जो अभ्यंतर है जो हमको नहीं दिख रही है वो विर्यांतर है और मति ज्ञानावरणी कर्म के एक शोषण से होती है और ये घातिया कर्म के से रेस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए बारहवें गुण स्थान में जब गातिया कर्म पूरे खत्म हो जाते हैं तब जो है वहां पर केवल ज्ञान प्रकट होता है और वो जब ये केवल और जो वहां पर जो है फिर जो वो भाव मोक्ष जिसको अपन कहते हैं भाव मोक्ष है उसको जिसको कहेंगे क्यों भाव इंद्रियां वहां खत्म हो गई है। इसलिए तेरहवें गुण स्थान को जो है अपन ने भाव मोक्ष की श्रेणी में भी रखा है क्योंकि वहां पर मति ज्ञान का क्षय हो गया है और जो भाव इंद्रियां हैं वो वहां पर फंक्शनल नहीं है, केवल वहां पर द्रव इंद्रियां ही फंक्शनल है, सिंबॉलिक है तो सही पर वो केवल सिंबॉलिक रूप है, वो कार्यकारी नहीं है क्योंकि भाव इंद्रियां नहीं है। इसलिए द्रव इंद्रियां केवल सिंबॉलिक है, अकिंचित कर है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो ये यहाँ पर मैं इसको गणानुयोग की विवक्षा ला करके यहाँ पर बताने का प्रयास किया है मैंने। अब 10 प्राण की उत्पत्ति और इसी को ज्यादा एलिबोरेट करके मैंने बताया है कि वीर्यांतराय कर्म और मति ज्ञानावरणी कर्म, मति ज्ञानावरणी कर्म को इंद्रियावरणी कर्म भी कहते हैं, मति ज्ञानावरणी को क्योंकि इंद्रियों से संबंधित है इसलिए इंद्रियावरणी कर्म के एक क्षयोपशम को लब्धि कहते हैं। तो जो क्षयोपशम है वो कर्णानुयोग की भाषा में उस क्षयोपशम को लब्धि कहते हैं। तो लब्धि को कार्य रूप में प्रकट करने के लिए द्रव इंद्रिया चाहिए, द्रव इंद्रिया जो है तो जब तक द्रव इंद्रिया नहीं होगी तब तक भाव इंद्रिया काम नहीं करेगी। तो भाव इंद्रिया लब्धि है और उपयोग रूप होती है। तो भाव इंद्रिया कब काम करेगी, जब द्रव इंद्रिया फंक्शनल होगी। अंधा आदमी नहीं देख सकता है क्योंकि उसके जो उपकरण वगैरह बाहर इंद्रियों के उपकरण है वो खत्म खराब है, इसलिए उसके अंदर भाव इंद्रिया तो है, मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसन तो उसके है, परंतु द्रव इंद्रिया नहीं होने से वो जो है भाव इंद्रिया है वो काम नहीं कर रही है। इसलिए भाव इंद्रियां पंगु है, जब तक कि द्रव इंद्रियां नहीं होगी तब तक भाव इंद्रियां पंगु है, इसलिए यहाँ पर द्रव इंद्रियां का होना जरूरी। जब तक द्रव इंद्रियां होगी तभी भाव इंद्रियां अपना काम कर सकेगी, इसलिए यहाँ द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रिय एक द्रव का दूसरे द्रव के ऊपर प्रभाव यहाँ देखा जा सकता है इसके अंदर। तो इसी तरह से तो जो लब्धि की अभिव्यक्ति के लिए तो जो क्षयोपशम है उसको अपन कह रहे हैं लब्धि, उस लब्धि की अभिव्यक्ति के लिए यानी कार्य रूप परिणत करने के लिए द्रव इंद्रियों की निमित्त की सहायता होना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि द्रव इंद्रिय नहीं होगी तब तक भाव इंद्रिय कोई काम नहीं करेगी, भाव इंद्रिय पंगु है, जो उपादान है वो पंगु है, इसलिए उस उपादान को कार्य करने के लिए निमित्त की आवश्यकता होती है। द्रव इंद्रिय के बिना भाव इंद्रिया यानी उपादान लब्धि या क्षयोपशम कार्यकारी नहीं है। इसको अंदर धवला पुस्तक में एक के अंदर प्रश्न 235 में लिखा हुआ है, तत्वार्थ सूत्र में अध्याय 2 के अंदर 16-17-18 में, तत्वार्थ सार के अंदर प्रश्न 48 में अध्याय 2 के अंदर, सर्वार्थ सिद्धि में अध्याय 2 के अंदर 17-18 में इसकी सारी बात वहां पर स्पष्ट मेंशन कर रखी है। इसलिए द्रव इंद्रियां और भाव इंद्रियां किसी को इनका दोनों का एक दूसरे का होना एक दूसरे के दे आर कॉम्प्लीमेंटेड टू ईच अदर, जब तक द्रव इंद्रिय नहीं होगी तब तक भाव इंद्रिय काम नहीं करेगी और भाव इंद्रिय नहीं होगी तो द्रव इंद्रिय भी काम नहीं करेगी, क्योंकि अब केवली भगवान के भाव इंद्रिय नहीं है इसलिए वो द्रव इंद्रिय वहां पर कोई काम की नहीं है। और जो इसमें अगर आप अंधा व्यक्ति है और अगर उसकी द्रव इंद्रिया काम नहीं कर रही है तो उसकी भाव इंद्रिया कोई काम नहीं करेगी, इसलिए दोनों का होना जरूरी है। अब गातिया कर्म से संबंधित 8 भाव प्राण, जो मैंने 6 भाव प्राण जो मैंने अभी बताया, तो 6 भाव प्राण है वो गातिया कर्म से संबंधित है। वीर्यांतर और मति ज्ञानावरणी कर्म के एक क्षयोपशम से 5 इंद्रिय प्राण और मन बल प्राण ये 6 प्राण उत्पन्न होते हैं जिसे भाव प्राण कहते हैं। इसके क्षय होते ही 13वें गुण स्थान में अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो जाता है,
जिसे भाव मोक्ष कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि केवल भगवान केवली भगवान के भाव मोक्ष होता है भी, और फिर अयोग केवली के अंदर द्रव मोक्ष होता है, क्योंकि अभी तक 13वें गुण स्थान के अंदर घात्या कर्म खत्म हुए हैं, अघात्या कर्म अभी बाकी हैं, इसलिए वहां पर द्रव मोक्ष और भाव मोक्ष दोनों नहीं है। द्रव मोक्ष कब होगा? अयोग केवली के अंतिम अंतिम अवस्था में, जब सारे अघात्या कर्म खत्म हो जाएंगे तब वहां पर जो है द्रव मोक्ष होगा, उसके पहले भाव मोक्ष हो गया है। इस तरह से अपने को यहाँ इसमें घटित करने की बात कर्णानुयोग की अपेक्षा से है। अघात्या कर्म से संबंधित चार द्रव प्राण, तो जो छह प्राण बताए हैं वो घात्या कर्म से संबंधित है, जिसको भाव प्राण कहें अपन, और यहाँ पर जो चार प्राण जो है यहाँ पे द्रव प्राण कह रहे हैं वो अघात्या कर्म से। तो शरीर नाम कर्म के उदय शक्ति रूप सातवा काय बल उत्पन्न होता है, श्वासोच्छ्वास नाम कर्म के उदय से आठवा प्राण उत्पन्न होता है, स्वर नाम कर्मोदय से वचन व्यापार के कारण ऐसी शक्ति रूप वचन नवा प्राण उत्पन्न होता है, और आयु कर्म के उदय से दसवा आयु प्राण उत्पन्न होता है। तो ये दसों प्राण के उत्पन्न होने की सारी जो है कर्णानुयोग की विवक्षा मैंने आपके समक्ष रखी है, बिल्कुल सरल तरीके से समझाने का यह प्रयास मैंने किया है। यद्यपि यह जीव निश्चय से सत्ता चैतन्य सुख ज्ञान आदि शुद्ध भाव से जीता है, जीता था और जीता रहेगा, तथापि व्यवहार से यह संसारी अशुद्ध जीव इस अनादि संसार में जैसे वर्तमान में द्रव भाव अशुद्ध प्राणों से जीता है, ऐसे ही पहले जीता था अथवा जब तक संसार में है जीता रहेगा, क्योंकि ये अशुद्ध प्राण उदय प्राप्त पुद्गल द्रव से रचे जाते हैं, इसलिए ये प्राण पुद्गल द्रव से विपरीत अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि स्वभावधारी शुद्ध परमात्मा से भिन्न है। ये जो प्राण है, जैसे मैंने पहले कहा, ये प्राण अशुद्ध अवस्था है, शुद्ध अवस्था तो अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर अनंत ज्ञान वाली जो जो आत्मा है वही शुद्ध प्राण है। तो ये जो उससे ये बिल्कुल जो जो दस प्राण है ये बिल्कुल जो है निश्चय प्राण से बिल्कुल भिन्न है, शुद्ध प्राण से भिन्न है दस। अब इसको यहाँ सुनना समझने की बात थोड़ी मैं और यहाँ आपको चर्चा में लाऊंगा कि ये दसों जो प्राण है ये व्यवहार प्राण है, और ये जो मरण जो होता है जिसको अपन व्यवहार से मरण कहते हैं, निश्चय से तो आत्मा दर्शन ज्ञानमयी है, चेतन प्राण है जो अविनाशी है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने किसी जीव की हम हिंसा करते रहें और ये कहें कि आत्मा तो अजर अमर है, हमने तो आत्मा को तो मारे नहीं, इसलिए हमको दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। अगर इस तरह की कोई अपने दिमाग में कोई अवधारणा है तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि आत्मा अजर हमारे मरती नहीं है, तो हम किसी भी जीव को मारेंगे तो क्या उसका हिस्सा का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? आगम में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि लगेगा, जरूर लगेगा, क्योंकि जो संसारी जीव है वो मूर्तिक है, अमूर्तिक नहीं है, वो मूर्तिक है। तो इसलिए जो व्यवहार में से तात्कालिक संसारी जीव मूर्तिक है, अभी वर्तमान में तत्काल में हम मूर्तिक है, परंतु त्रैकालिक अमूर्तिक है। इसको अंडरलाइन करने वाली बात है, आत्मा त्रैकालिक अमूर्तिक है परंतु तत्कालिक मूर्तिक है। अपना शरीर संसारी जीवों का शरीर मूर्तिक है, आत्मा के कर्मों के साथ बंद है इसलिए मूर्तिक है। इसीलिए अपने को जीव को मारने का हिंसा का दोष लगेगा आपने, इसलिए मतलब क्योंकि आत्मा और कर्म का संश्लेष संबंध है इसलिए वो मूर्तिक है। इसलिए जीव को अगर आप मारोगे तो उसको हिंसा का दोष लगेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि आत्मा तो अजर अमर है, हमने जीव मारा तो आत्मा तो मरी नहीं इसलिए दोष नहीं लगा, नहीं, आपको बिल्कुल आगम के हिसाब से आपको दोष लगेगा, पाप लगेगा, आपके कर्म का असर बंद होगा, और आप अगर अत्यधिक जीवों की हिंसा करोगे तो आपको उसी हिसाब से परिणाम को आपको भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह की विवक्षा को अपने को समझना चाहिए। दस प्राण एवं जन्म मरण, इसको मैंने पहले बता चुका हूं मैं, इसको मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, पर क्योंकि आगम समझ जो बातें हैं उसका मैंने रेफरेंस दिया है। तो कार्तिकेय स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा के अंदर स्वामी कार्तिकेय ने भी दस प्राण और उनके जन्म मरण की बात करी है। यहाँ पर ये चर्चा में ऑलरेडी कर सकता हूँ, केवल रेफरेंस के रूप में यहाँ मैंने दिया है। इसी तरह से प्रवचन सार के अंदर कुंजा स्वामी ने 148 और 147 गाथा में यही बात लिखी है, जो चीज मैंने आपसे चर्चा करी है यहाँ पर, कि जो कोई वास्तव में चार प्राण से जीता है जिएगा, पहले जीता था वह जीव है, और प्राण पुद्गल द्रव्यों से रचे हुए हैं।
तो द्रव और भाव प्राणों की उत्पत्ति की समाधि है। द्रव प्राण और भाव कैसे प्राप्त, इसकी क्या उत्पत्ति की सामग्री क्या है, तो घुमटसार जीव कांड के अंदर इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि वीर्यंत्राय कर्म के एक स्वयं के स्वयं के साथ साथ मति ज्ञान आवरणी कर्म के एक स्वयं से नौ इंद्रिय मतलब मन को नौ इंद्रिय भी कहते हैं सूक्ष्म है, क्योंकि इंद्रिया है वो स्थूल है दिखाई देती है, पर नौ इंद्रिय मतलब सूक्ष्म मन दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको नौ इंद्रिय कहा है। बल प्राण व इंद्रिय प्राण उत्पन्न होते हैं शरीर नाम कर्म के उदय से, काय बल आनंद आनंद वचन प्राण आयु कर्म के उदय से आयु प्राण उत्पन्न होते हैं। तो ये जो है प्राणों की उत्पत्ति का अंतरंग कारण। अब इसके प्राणों की उत्पत्ति के अंतरंग कारण कैसे होते हैं कि देहादि में ममत्व भाव रखना, पर वस्तु में बाह्य वस्तु के साथ ममत्व भाव रखना है, वही जो है इन प्राणों की उत्पत्ति का कारण है। ये प्रवचन सार में कुंदकुंद स्वामी ने 150 नंबर गाथा में कहा है कि कर्मों से मेला आत्मा बार बार अन्य अन्य प्राणों को धारण करता है, हर बार नए नए प्राण धारण करता है, कभी चार प्राण धारण करता है, कभी छह प्राण धारण करता है, कभी आठ प्राण धारण करता है, कभी नौ प्राण धारण करता है, कभी दस प्राण करता है। तो ये प्राण अपने अपने परिणामों के हिसाब से वो खुद प्राण को धारण करता है, जब तक शरीर आदि विषयों में ममता ममत्व को नहीं छोड़ता, जब तक ये बाह्य वस्तु में शरीर और देह और पर वस्तु के साथ ममत्व भाव रखेगा तब तक जो है ये कर्मों का बंध करता रहेगा और प्राणों को बांधता रहेगा, भौतिक प्राणों को बांधता रहेगा और जो है अनेक पर्याय तक ये चतुर्गति भ्रमण करता रहेगा। मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म या कर्मण शरीर के कारण जीव शरीर आदि प्राणों को धारण करता है और उस शरीर में इंद्रियों के माध्यम से कर्म फल को रागादि भावों से युक्त होकर भोगता है, जिससे पुनः नवीन नवीन कर्म बांधता है। इसी प्रकार द्रव कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव कर्म की श्रृंखला चलती रहती है। इस प्रकार से ये आगम में वर्णित है कि अब ये मैं यहाँ पर बताऊंगा, जैसे कछारा साहब ने भी पहले बताया था अपने प्रवचन के अंदर कि ये जो छह पर्याप्तियां, पर्याप्ति को लेकर के थोड़ी सी यहाँ चर्चा करेंगे अपन कि छह पर्याप्तियां मात्र एक पर्याप्ति नाम कर्म से उदय से निष्पन्न नहीं होती। ये जो छह पर्याप्तियां हैं ये कोई एक इसका नहीं है, ये जो प्राण दस प्राण है उन दस प्राणों का कोई एक कर्म नहीं है कि जो दसों प्राणों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब इंद्रियों के लिए अलग कर्म की प्रकृति है, आयु के लिए अलग कर्म की प्रकृति है, छांसों श्वास के लिए अलग कर्म की प्रकृति है। तो इस प्रकार से दसों प्राण की प्रकृतियां अलग अलग है, एक कोई ऐसा एक कोई सोल एक कोई मुख्य ऐसा कर्म नहीं है जो दसों प्राणों को गवर्न करता है। ये दसों प्राणों की अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, इसको अपन थोड़ा पर्याप्ति के माध्यम से थोड़ा समझाएंगे। कछार साहब ने भी इसका जिक्र किया था। तो पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से छह पर्याप्ति, ये जो पर्याप्ति नाम कर्म है, नाम कर्म के अंदर एक 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 प्रकृति पर्याप्ति नाम कर्म, तो इसके उदय से छह पर्याप्ति होती है। तो वह शक्ति जिसके द्वारा जीव अपने शरीर के योग उद्गल वर्णा को ग्रहण करता है उसे पर्याप्ति कहते हैं। आहार शरीर इंद्रिय श्वासोश्वास भाषा और मन की निष्पन्नी में जो शक्ति होती है उसे पर्याप्ति कहते हैं। तो ये जो छह पर्याप्ति है उसके अंदर जो जो शक्ति है उसको, उस शक्ति को, जिस शक्ति से ये इंद्रियां प्रकट होती है और उनको बल मिलता है उसको पर्याप्ति कहते हैं, जो नाम कर्म के उदय से अभिव्यक्ति रूप में प्रकट होती है। आहार शरीर इंद्रिय श्वासोश्वास भाषा और मन पर्याप्ति, ये पांच इंद्रियां हैं, तीन बल है, एक श्वासोश्वास है और एक आयु है। तो ये जो दसों प्राण है वो यहाँ पर घटित किए हैं पर्याप्ति के साथ में। पौद्गलिक प्राणों के नाश के कारण, अब ये पौद्गलिक प्राण है इनको नाश कैसे करेंगे, अपन जो अपने रोज बांध रहे हैं इसको कैसे खत्म करेंगे, तो अंतरंग हेतु मतलब यह है कि इसके अंतरंग कारण क्या है कि कर्मों को क्षय करना है, और कर्मों को क्षय करने का मतलब यह है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। पांचों इंद्रिय और मन है, इसके ऊपर जब तक आप विजय प्राप्त नहीं करोगे तब तक ये कर्म बनने की प्रक्रिया द्रव कर्म और भाव कर्म की जो श्रृंखला है ये बराबर चलती रहेगी। तो यहाँ पर प्रवचन सार के अंदर कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है कि जो इंद्रियादि पर विजय होकर उपयोगमय मात्र आत्मा को ध्यान करता है वह कर्मों को ही नहीं बांधता, तो कर्मों के कार्य स्वरूप प्राणों का संबंध कैसे हो सकता है। तो जब कर्म ही नहीं बांधेगा तो प्राण कैसे बनेंगे, प्राण बनेंगे नहीं, तो नए नए कर्म नहीं बनेंगे तो प्राणों की श्रृंखला है वो टूट जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर आगम वर्णित है।
अब मैं यहाँ पर कुछ प्राणों के स्वामी के बारे में बात करूंगा। पूर्व पर्याय का नाश मृत्यु है और नवीन पर्याय की उत्पत्ति जन्म है, यानी पूर्व पर्याय का व्यय नवीन पर्याय की उत्पत्ति में कारण है, आत्मा ध्रुव है। इस प्रकार जन्म मरण में उत्पाद व्यय और ध्रुव की पुष्टि देखी जा सकती है। तो जन्म मरण के अंदर अपन देखें कि उत्पाद व्यय ध्रुव जो एक आगम का एक बहुत बड़ा पहलू है, उसको अपन हम जन्म मरण से इसके साथ में इसको घटित कर सकते हैं कि एक पर्याय खत्म हो गई, दूसरी पर्याय उत्पन्न हो गई और उसमें जो भगवान स्वरूप आत्मा है वो ध्रुव रूप तो आत्मा है, बराबर ही है। तो जो पर्याय व्यय हुई है वो जो है उसका मरण हुआ है, नई पर्याय बनी है उसका उत्पाद हुआ है और उसके अंदर जो भगवान स्वरूप आत्मा है, जो शाश्वत आत्मा, वो ध्रुव स्वरूप है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जन्म मरण के अंदर अपन उत्पाद व्यय ध्रुव को अपन घटित कर सकते हैं। सिद्ध मुक्त अवस्था में ध्रुव प्राण का अभाव है। तो जो मैंने जैसे बताया आपको, फरमाया पहले भी आपने कि सिद्ध अवस्था में ध्रुव प्राण का अभाव है। जो ये ध्रुव प्राण किसके अंदर है? संसारी जीव के अंदर है। सिद्धों के अंदर कोई ध्रुव प्राण नहीं है। सिद्धों के अंदर जो दर्शन ज्ञानमयी चेतना प्राण है वहां केवल एक शाश्वत दर्शन ज्ञानमयी भाव प्राण का ही सद्भाव है। संसारी जीव ध्रुव प्राण की अपेक्षा से और सिद्ध जीव भाव प्राण की अपेक्षा से जीव कहे जाते हैं। तो सिद्ध भगवान जो है वो भी जीव है और संसारी भी जीव है, पर दोनों के जीव कहने की जो प्रक्रिया है वो दोनों अलग अलग है। संसारी जीव को जीव अपन इसलिए कह रहे हैं कि वो ध्रुव प्राण से पौद्गलिक 10 प्राणों से जी रहा है और सिद्ध भगवान है वो शाश्वत प्राण चेतना प्राण से जी रहा है। तो दोनों के जीने का तरीका अलग अलग है, एक कर्म जनित है, एक कर्म सापेक्ष है, दूसरा कर्म निरपेक्ष है। अब प्राणों के स्वामी की बात अपन करेंगे कि संगी पंचेंद्रीय जीव के अंदर 10 प्राण होते हैं, असंगी पंचेंद्रीय में 9 प्राण होते हैं और 4 इंद्रीय जीव में 7 प्राण होते हैं, 3 इंद्रिय में 6 प्राण होते हैं, 2 इंद्रिय में 5 प्राण होते हैं, 1 इंद्रिय में 4 प्राण होते हैं। तो ये प्राणों की संख्या है जो अपने यहाँ घटित की है। अब जो एक इंद्रिय में 4 प्राण है कौन कौन से हैं यहाँ घटित करेंगे अपन। ये स्पर्शन है एक इंद्रिय में, दूसरा काय है उसका शरीर है, 600 श्वास है और आयु है। तो ये 4 प्राण है उसके अंदर एक इंद्रिय जीव के अंदर, और अरिहंत भगवान के भी 4 प्राण है। जो अरिहंत भगवान है, केवली भगवान है, तीर्थंकर है, उनके भी 4 प्राण है और एक इंद्रिय जीव है इसके भी 4 प्राण है, पर दोनों 4 प्राणों के अंदर भेद है। क्या भेद है यहाँ पर? कि वहां पर जो 4 प्राण है वो वचन, काय, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये प्राण है उस वहां पर। अगत्या कर्म के प्राण है जिसको अपन कह रहे हैं, अगत्या कर्म से संबंध है ये जो प्राण है वो अगत्या कर्म के खाते में है। और जो इंद्रिय के एक इंद्रिय जीव के अंदर है वो घातिया और अगत्या दोनों के खाते में है, क्योंकि वहां पर अरिहंत भगवान के घातिया कर्म क्षय हो गए पूरे, इसलिए केवल अगत्या कर्म ही बचे हुए हैं। तो वो वहां पर जो प्राण है वो अगत्या कर्म वाले प्राण है और इनके अंदर घातिया और एक इंद्रिय जीव है, इसमें घातिया और अगत्या दोनों है। तो स्पर्शन, काय, श्वासोच्छ्वास और आयु ये घातिया और अगत्या दोनों में आएंगे। आइए समझ में ना आपके। तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से अपने को घटित करना है। यहाँ पर तो आयु है ये अगत्या में आएगा, श्वासोच्छ्वास अगत्या में आएगा, फिर ये स्पर्शन इंद्रिय है ये घातिया कर्म उसमें आएगा और शरीर है ये इसमें इस तरह से आएगा। तो ये दोनों के प्राण, इंद्रिय प्राण एक इंद्रिय जीव के प्राण में और इन दोनों में ये संख्या भले बराबर है पर इनमें फर्क है। इसके अंदर आयु केवली 14वें गुण स्थान में केवल एक प्राणी है, वो आयु प्राण है। एक प्राण जो केवली आयु केवली के अंदर केवल एक ही प्राण बाकी है, बाकी सारे प्राण उनके खत्म हो जाते हैं और एक ही प्राण शेष रहता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं आयु केवली भगवान के। तो इस तरह से ये प्राणों की विवेक्षा मैंने करी, इसको और इसके साथ आयु के साथ जोड़ करके सारी बात करी है। या मैं आपने बहुत ध्यानपूर्वक मेरे छोटे से इस व्याख्यान को सुना है, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपका ध्यानपूर्वक सुना है। आपकी किसी प्रकार की कोई शंका हो मुझे बताएं, जो मैं अभी बता सकता हूँ तो उसका भी बताने का प्रयास करूँगा, और नहीं हो तो व्हाट्सएप पे में भी आप भेजें तो अपन सब मिल करके उस चर्चा का आपस में समाधान करके और उसका निर्णय अपन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सादर जय जयनंद। गोदावर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।